नमस्कार। 25 अगस्त को चट्टंबी स्वामीकल की जयंती मनाई जा रही है। आप केरल के एक मशहूर ऋषि और समाज सुधारक थे। आपका जन्म 25 अगस्त 1853 को हुआ था और आपकी मृत्यु 5 मई 1924 को हुई थी। आप केरल में हाशिए की ओर सरकाए हुओं की पहली आवाज बने, यह आपकी ख्याति है। आपकी प्रेरणा से केरल में कतिपय सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलनों व संगठनों की शुरुआत हुई थी, यह भी आपकी खूबी है। चट्टंबी स्वामीकल ने हिंदू ग्रंथों की दकियानुसी व्याख्याओं को नकारा। साथ ही आपने उस समाज में फैले जाति और कर्मकांड की दुर्व्यवस्था को सुधारने की भरसक कोशिश की। आपने महिलाओं को गुलामी से छुटकारा देकर उन्हें पुरुषों के बराबर दर्जा देने का भी प्रयास किया। आपने शाकाहारी भोजन और अहिंसा पर जोर भी दिया। चट्टंबी स्वामीकल ने विविध धार्मिक परंपराओं को जिंदगी की मंजिल की ओर जाने का अलग अलग रास्ता समझा। इतना ही नहीं, आपने केरल में अलग अलग जगहों पर रहकर कई समुदायों के लोगों से दोस्ती की। इसे आपने अपने बौद्धिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन की कमाई भी मानी। चट्टंबी स्वामीकल दक्षिण ट्रावणकूर के कन्नम मूला में पैदा हुए। आपके पिता तामरशेरी वासुदेव शर्मा और माता नंगम्मा पिल्ले थे। आप प्यार से कुंजन पिल्ले बुलाए जाते थे, जिसका मतलब है छोटा बच्चा। गरीब होने के कारण आपके माँ बाप बच्चे को विद्यालयीन शिक्षा दिलवा नहीं पाए, यह तो खेद की बात रही। फिर भी आपने अक्षरों व शब्दों का ज्ञान पड़ोस के बच्चों से हासिल किया। संस्कृत का ज्ञान पड़ोस में चल रही संस्कृत की कक्षा को सुनकर भी। सीखने की आपकी इच्छा देखकर आपके मामा आपको पेट्टैल रामन पिल्ले आशान के विद्यालय में ले गए, जहां आपको निःशुल्क शिक्षा मिली। चट्टंबी की खिताब आपको कक्षा के छात्र नायक के तौर पर वहीं से मिली थी। रामन पिल्ले ने खुले विचारों वाले विद्वानों का एक समूह बनाया, जिसका नाम था ज्ञाना प्रजागारम। इसके सहारे चट्टंबी ने स्वामीनाथ देसिकर से तमिल, प्रोफेसर मनोनमनिया सुधाराम पिल्ले से दर्शन और तयकाड अय्यब स्वामीकर से योग सीखा। साथ ही एक घुमक्कर स्वामी से अध्यात्म का मंत्र सीखकर षण्मुखदास का नाम भी अपनाया। घर संभालने की जिम्मेदारी के चलते चट्टंबी ने मजदूर, दस्तावेज लेखक आदि का काम करने के बाद सरकारी नौकरी भी की, लेकिन बौद्धिक और आध्यात्मिक खोज के लिए आजाद रहने के मद्देनजर आपने नौकरी से अलविदा कह दिया। एक दार्शनिक सभा में चट्टंबी सुब्बा जटा परिगल से मिले, जो कि तर्क, व्याकरण, मीमांसा और वेदांत के बड़े ज्ञाता थे। आपने
उनसे तमिल और संस्कृत में सभी शास्त्रों का ज्ञान हासिल किया। आपने कोडागनल्लूर सुंदर स्वामीगल के वेदांत कृति निजानंदा विलासम का तर्जुमा भी किया। इसके अलावा चट्टंबी ने एक ईसाई पादरी और एक मुसलमान के साथ रहकर बारी बारी से ईसाई और इस्लामी दर्शन व धर्म को जाना और समझा। इसके बाद भारत के कई जगहों में सफर कर आपने सभी धर्मों का कुछ न कुछ जानकारी हासिल कर यह समझा कि सभी धर्मों का मर्म एक ही है। तमिलनाडु के जंगल में एक नामी अवधूत के साथ रहकर चट्टंबी ने आत्म साक्षात्कार की साधना की और एक बड़े विद्वान और संत के रूप में केरल लौटे। नारायण गुरु, नीलकंठ तीर्थपाद और तीर्थपाद परमहंस आपके सबसे मशहूर शिष्य थे। नारायण गुरु ने स्वामीकल से योग और अध्यात्म संबंधी बातें सीखी। उनके आपस में कुछ 3 साल का फर्क ही था और आप दोनों में अच्छी दोस्ती बनी। कई सालों के लिए वे एक साथ रहे और सफर किए। स्वामीकल की समाधि पर नारायण गुरु ने आप पर एक कविता लिखी जो कि मर्मस्पर्शी ही नहीं बल्कि नारायण गुरु की किसी के लिए अकेली श्रद्धा भी थी। नीलकंठ तीर्थपाद संस्कृत के विद्वान और सांप काट के हकीम थे। स्वामीकल की प्रेरणा से आपने आम लोगों के लिए अद्वैत की कई व्याख्याएं तैयार की। आपने सामाजिक व धार्मिक अनुष्ठानों की कुछ पुस्तिकाएं भी लिखी। उनकी मृत्यु पर स्वामीकल ने उनकी समाधि पीठ पर एक शिवलिंग की प्रतिष्ठा की। यह आपके आपसी रिश्ते का सबूत था। तीर्थपाद परमहंस ने स्वामीकल से प्रेरणा लेकर जातिगत अन्यायों को दूर करने की कोशिशें की। तीर्थपाद ने कई आश्रमों की भी स्थापना की जहां स्वामीकल की तालीम व प्रणालियों को लागू किया गया था। इसके अलावा और कई स्वामियों ने चट्टंबी स्वामीकल की प्रेरणा की ओर पुख्ता इशारा किया है। चट्टंबी स्वामीकल ने अपनी जिंदगी का आखिरी समय कोल्लम जिले के पनमना में रहने लगे। आपकी समाधि वहीं पाई जाती है। चट्टंबी स्वामीकल की रचनाएं स्टैंजास, मुक्तगाज, भजन, लेख, समीक्षा, अनुवाद, टीकाएं, नोट्स, पत्र आदि के रूप में पाई जाती हैं। अपने घुमकड़ी जीवन में जो लिखा गया था वह जिनके साथ रहते थे उनके साथ रह गए, इसलिए सभी रचनाओं का प्रकाशन नहीं हो पाया। अद्वैत चिंता पद्धति, वेदांत सारम, क्रिस्त मत सारम, द्रविड महात्म्यम, മലയാളത്തിലെ ചില സ്ഥലനാമങ്ങൾ, വേദാധികാര നിരൂപണം, സർവമത സമരസ്യം ആദി ആപ്കി അനേക രചനാവും മേ സേ പ്രമുഖ ഹേ ഉൻമേ കുച്ച് പ്രകാശിത് ഹേ ജബ്കി കുച്ച് അപ്രകാശിത് ഹേ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ കാ യോഗദാൻ ബേഹദ് സരാഹനീയ രഹാ। ആപ്നേ
केरल के सामाजिक व धार्मिक जगत के बेतुकी नियमों व आचारों पर सवाल उठाया। कुछ लोगों द्वारा वेद ज्ञान विज्ञान व शिक्षा को निजी बपोती के रूप में रखने के खिलाफ आपने आवाज उठाई, उन्हें आम लोगों तक पहुंचाने की भरसक कोशिश भी की। एक बहुआयामी विद्वान, संत, साधक और समाज सुधारक के रूप में आपकी पहचान है, हमेशा रहेगी भी। चट्टंबी स्वामीगल जयंती 20-23 के पुनीत मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज नई दिल्ली की तरफ से आप लोगों से मेरा यह अपील है कि हम लोग चट्टंबी स्वामीगल से प्रेरणा लें और बहुआयामी और रचनात्मक ज्ञान की साधना करते जाएं। साथ ही हम लोग समाज की धरोहर को आम लोगों की पहुंच में लाकर समाज में बराबरी, सद्भाव व मिलीजुली संस्कृति के हिमायती बने। संत चट्टंबी स्वामीगल की जय हो। धन्यवाद।